सब्सक्राइब कीजिए ट्रिकी बॉय सिट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, वेलकम टू ट्रिकी बॉय सिट। आई एम योर होस्ट सिद्धार्थ। दोस्तों, आज मैं आपके सैमसंग J26 के लिए एक ब्रांड न्यू रोम लाया हूँ जो स्टॉक बेस्ड है, मतलब ये स्टॉक पे ही रन करेगा, लेकिन इसमें कुछ अलग से फीचर ऐड किए गए हैं जिसमें थीम इंजन है। आप इसमें जितने चाहें थीम इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि स्टॉक रोम में आप कोई भी अलग से थीम इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसमें आपको बस 4 प्री इंस्टॉल्ड थीम मिल जाते हैं और इसमें बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा मिलेगा जो नया वाला रोम है, और इसमें आपको जो अनवांटेड एप्स हैं वो रिमूव मिलेंगे। यानी ये सब जो आपको पावर पॉइंट, प्ले मूवीज, ये सब जो वर्ल्ड, ये सब जो बिना काम वाले ऐप हैं, ये आपको उसमें नहीं मिलेंगे, जिससे काफ़ी आपका रैम फ्री रहेगा। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि वो रोम कैसे वर्क करता है, उसे कैसे फ्लैश करेंगे। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि आपका फ़ोन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में अपडेटेड होना चाहिए। यानी मैं दिखा देता हूँ आपका फ़ोन, ये आप देख सकते हो, ये जो आपका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है J210FXXU0AQF2, यानी आपका जो फर्मवेयर है वो लेटेस्ट अपडेटेड होना चाहिए। जो अगस्त वाला अपडेट था उसमें अपडेट होना चाहिए, और ये रोम जब आप स्टॉक पे रहोगे तभी फ्लैश कर सकते हो, वरना अगर आप किसी अदर कस्टम रोम को यूज कर रहे हो तो आप इस पर फ्लैश नहीं कर सकते, आपको बूट लूप हो जाएगा, यानी आपका फोन वीक हो जाएगा। और आपके फ़ोन में एक प्री इंस्टॉल्ड कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए। जैसे मैंने अपने फ़ोन में ऑलरेडी TWRP रिकवरी इंस्टॉल कर लिया है। आपको नहीं पता कि इंस्टॉल कैसे करते हैं तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया, आप उसे वॉच कर सकते हो। और आपको दो रोम चाहिए, एक का चाहिए सैमसंग थीम्स का APK फाइल चाहिए, और जो दूसरी फाइल है वो है J26 वाली रोम, जिसे XGA डेवलपर रत्नेश यादव ने डेवलप किया है। तो बस इन दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो बस अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फोन को स्विच ऑफ करेंगे, और ये हमने इसे कर दिया स्विच ऑफ। और स्विच ऑफ हो जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें रिकवरी मोड में जाने के लिए पावर की प्लस वॉल्यूम अप की प्लस होम बटन को एक साथ प्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे प्रेस करेंगे, और जैसे इसे हम प्रेस करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन में आ जाएगा लिखा हुआ, जिससे ये रिकवरी अब ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये है TWRP रिकवरी ओपन हो गया। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और आपको इसमें क्या करना है, वाइप वाले ऑप्शन पे जाके और एडवांस वाइप में जाके, और इसमें आपको डालविक पे कैच करना है, डालविक को सेलेक्ट करना है। सॉरी अगर फोकस नहीं हो पा रहा है, तो डालविक, डाटा और कैच, बस इन तीनों को मैं इसलिए वाइप कर रहा हूँ ताकि रोम को फ्लैश करने के बाद बूट लूप ना हो। तो जस्ट हम क्या करेंगे, अब इसे स्वाइप टू वाइप कर देंगे। रिकवरी तो मैंने ऑलरेडी भी पहले बताया कि स्टेबल नहीं है, सो इसलिए प्रॉब्लम होती है। सो आप देख सकते हो कि जल्दी काम नहीं करता है। अब इसने वर्क किया, अब ये आपका हो गया तीनों वाइप्ड। हम क्या करेंगे, बैक करेंगे, और बैक करने के बाद अब हम आएंगे इंस्टॉल वाले ऑप्शन में। इंस्टॉल वाले ऑप्शन में आने के बाद अब हम यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो J26 वाला जो DUDEX रोम है, हम उसे इंस्टॉल करेंगे। आप सेलेक्ट करेंगे और स्वाइप अप टू फ्लैश करेंगे। आप देख सकते हो ये फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो गया है, और ये आप देख सकते हो कि ये सक्सेसफुली फ्लैश हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब जस्ट सिस्टम को रिबूट करेंगे, और ये हमारा सिस्टम रिबूट हो रहा है। फर्स्ट टाइम बूटिंग में 7 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि XGA की साइट पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन में यही बताया था, और सो 60 मिनट का टाइम लग भी रहा है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में बूटिंग हो जा रही है, नहीं, लगभग आपको मिनिमम 7 मिनट का टाइम लगेगा। और मैं इस रोम को लगभग 2 दिन से यूज कर रहा हूँ, काफ़ी कूल रोम है, बैटरी बैकअप औसम है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिना लैग के कोई बग नहीं मिलेगा इस रोम में। सो हम क्या करते हैं, अब वेट करते हैं इसके फर्स्ट बूटअप का। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आफ्टर 7 मिनट ये बूट हो गया है। बूटिंग प्रोसेस में बहुत टाइम ले रहा है भाई, 7 मिनट का समय लिया इसने फर्स्ट बूट होने में। उसके बाद से अब ऐसा वेलकम होकर के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका सेटअप कर लेते हैं।
अब हम इसे स्टार्ट, जो नॉर्मली आप फ़ोन का सेटअप करते हो, ये इसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं मिलेंगे। आप सोचोगे कि ये तो स्टॉक ही, हाँ भाई ये स्टॉक बेस्ड रोम ही है, लेकिन इसमें कुछ अलग से फीचर ऐड किए गए हैं, क्योंकि ये रोम J7 का जो ऑफिशियल स्टॉक रोम था उससे पोर्टेड किया गया है। सो मिलता जुलता तो सैमसंग के ऑफिशियल रोम से ही है, बस ये है कि J7 का ऑफिशियल रोम से इसे पोर्ट किया गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसे सेटअप कर लेते हैं और हम इसे स्किप कर देते हैं। और स्किप, ये फिनिश। और ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, इसमें आपको पहले चेंजेस ये मिल गए कि जो आप पहले ऐसे जो मेन्यू स्टाइल था इसका, जो अब ये J7 टाइप का हो गया है। जैसे आप देख सकते हो, पहले हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देते हो, हम साइड में स्क्रॉल करते हैं ऐसे, और ये आप देख सकते हो। और बाकी जो अदर ऐप्स थे, जैसे कि वर्ल्ड हुआ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हुआ, आपको बस वर्ल्ड एक ऐप इसमें मिलेगा, बाकी पावर पॉइंट और अदर ऐप इसमें आपको नहीं मिलेंगे। और जितने अनवांटेड ऐप्स सब रिमूव हो गए हैं। और हम क्या करेंगे, अब हम उस थीम स्टोर को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे इंस्टॉल कर लेंगे, इसकी सेटिंग कर लेते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये थीम स्टोर अब इंस्टॉल्ड हो गया है इस फोन में। अब हम क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी थीम स्टोर में एक थीम को डाउनलोड कर लिया है। अब आप जैसा कि देख सकते हो, इसमें आपको ऐसा थीम स्टोर खुल के आएगा। आप कैटेगरी में आपको जैसा आप थीम चाहो, माय थीम्स में आप अगर टैप करोगे तो आपको यहाँ पे मोर थीम्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और मैंने एक थीम अभी जो डाउनलोड की है ब्लैक करके, मैं उसे अप्लाई करके दिखाता हूँ। और हम क्या करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, ये अप्लाई हो रहा है। और ये आप देख सकते हो, ये सक्सेसफुली J2 में ये थीम इंस्टॉल्ड हो गया। क्योंकि जो स्टॉक फर्मवेयर था उसमें 4 थीम थे प्री इंस्टॉल्ड मिलते थे, वो काफ़ी हद तक, मतलब आप उसमें कोई काफ़ी ज़्यादा वो अच्छे नहीं थे। तो ये काफ़ी अच्छा रोम है, इसमें आप कितने भी थीम चाहे इंस्टॉल कर सकते हो डाउनलोड करके। आप देख सकते हो कि ये पूरे फ़ोन का जो थीम है चेंज हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो, डायलर पैड का थीम चेंज हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो, मैसेज का थीम चेंज हो गया है, ये आप देख सकते हो। और ऊपर से जो स्टेटस बार है, इसका भी थीम चेंज हो गया है। आपको सेटिंग के भी थीम चेंज मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हो। तो काफ़ी कूल लग रहा है ये फ़ोन। आप इसमें जितना चाहें इतना थीम इंस्टॉल्ड करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिना लैग के चलेगा। और मैं एक बार और दिखा देता हूँ कि ये फ़ोन J2 ही है, अदर कोई फ़ोन नहीं है। जिससे आप देख सकते हो, डिवाइस नेम गैलेक्सी J2 2016, लेकिन मॉडल नंबर में आप देख सकते हो J700F, जो कि J7 से पोर्ट किया गया रोम, इसलिए इसमें मॉडल नंबर J7 का दिखा रहा है। आप इसको ऑफिशियली अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अनऑफिशियल रोम है। सो इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आप अपडेट करते हो तो। बाकी सब एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच Level 1 August का मिल जाएगा आपको, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लैग नहीं होगा। वोल्टी सपोर्टेड है, आप जैसा कि देख सकते हो, ये फ़ोन वोल्टी सपोर्टेड है। इसमें अनवांटेड ऐप रिमूव मिलेंगे आपको, बाकी हर चीज़ अच्छे तरीके से वर्क करेगा। ये आप देख सकते हो, कैमरा, हर चीज़ अच्छे से वर्क करेगा। तो डेली लाइफ में यूज करने के लिए रोम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, काफ़ी कूल रूम है। मैं खुद 2 दिन से इस रोम को यूज कर रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो इस रोम को यूज करें, और जितने मन करे उतना थीम इंस्टॉल कर सकते हो आप इसमें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर गाइज, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।